भैया हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई टमाटर, एंड ये हमने लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और जीरा, और ये हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, एंड कड़ी पत्ता लिया है यानी कड़ी लीव्स, और ये थोड़े से शेंगदाने हैं यानी कि मूँगफली का दाना, और ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल एंड सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ये हमने लिया है पोहा, जिसे हमने धोकर अच्छे से पानी को निकाल दिया है। चलो अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। हम उसमें सबसे पहले डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। हम इसमें डालेंगे शेंगदाने। शेंगदाने को हम थोड़ी देर भून लेंगे। शेंगदाना हमारा हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे थोड़ी सी कड़ी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ प्याज जो हमने पहले से रखा हुआ है काट कर। हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा भुन चुका है, अब हम इसे डालेंगे कटी हुई मिर्च। इसे भी हम साथ में भून लेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारा प्याज और मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। अभी हम देखते हैं हमारा प्याज टमाटर गल गया है। ये अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पोहा। साथ ही में डालेंगे हम अपना भुना हुआ शेंगदाना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं पोहे को अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसे भी हम पोहे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, हम देख लेते हैं हमारे पोहे रेडी हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह कुक हो चुका है एंड इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ